पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ खाते से अब ऑनलाइन विड्रॉल करना संभव है। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस ने ऐसी सुविधा शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। सबसे पहले आपके पास है पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग एक्टिवेट होनी चाहिए। इसको एक्टिवेट करना बहुत ही आसान है। नेट बैंकिंग को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के अंदर आपको क्लिक करना है पीपीएफ विड्रॉल पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पीपीएफ अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका अमाउंट जितना आप विड्रॉल मैक्सिमम कर सकते हैं वह यहाँ पर शो हो जाएगा। तो उसमें से कितना ही पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद में इस पैसे को आपको पोस्ट ऑफिस के किसी अकाउंट में जमा करना होगा। तो कौन से बचत खाते में आप जमा करना चाहते हैं, यदि एक से अधिक अकाउंट है तो आपको अपना अकाउंट बचत खाते का अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में मैक्सिमम अमाउंट तो आपको ऊपर शो हो जाता है, लेकिन कितना अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा पर है। तो आप वह अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्रांजेक्शन रिमार्क के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन 2 लाख तक की सुविधा विड्रॉल करने की मिलती है। यदि आप 2 लाख से ज्यादा विड्रॉल करना चाहते हैं तो फिर आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा। एक बार पोस्ट ऑफिस के खाते में पैसा जमा होने के बाद में आप यहीं से किसी भी बैंक खाते के अंदर पैसा यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते। इसके लिए आपको फंड ट्रांसफर टू अदर बैंक का ऑप्शन मिल जाता है। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास में इस प्रकार की कंफर्मेशन डिटेल का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको रिमार्क के अंदर कुछ भी लिख लेना है और उसके नीचे आपसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का कहा जाता है, तो उसके ऊपर केवल आपको टिक करना है। तो राइट का निशान यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद में आपको सबमिट करना है। ऐसा करते ही आपका पैसा पीपीएफ से निकलकर आपके बचत खाते के अंदर जमा हो जाएगा। यदि आपके बचत खाते के अंदर शो नहीं कर रहा है तो आपको लॉग आउट करके वापस लॉग इन करना है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए पोस्टल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।